तव पाद पंकजं सुरा सुरैर वंदित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां बोलो गंगा मैया की जय। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस समय कहां हूं। मैं इस समय उस द्वार पर हूं, हरिद्वार, जहां पर गंगा हिमालय के पर्वतों को छोड़कर हिंदुस्तान के समतल इलाकों की तरफ प्रस्थान करती है। हरिद्वार का हिंदू शास्त्रों और धर्मों में इतना महत्व है, इतनी मान्यता है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ गंगा के पानी में सिर्फ डुबकी मात्र लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और सारे अच्छे कार्य संपन्न हो जाते हैं। इस एपिसोड में मैं करूंगा दर्शन हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी का और जानूंगा उसका महत्व। मिलूंगा कुछ डेडिकेटेड यंग वॉलंटियर्स से जिन्होंने हरिद्वार में गंगा को साफ रखने का बीड़ा उठाया। वंडरफुल। हमें आई थिंक इस देश को अगर कोई चाहिए तो इन जैसे युवा चाहिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो। और होगा स्वादिष्ट लंच हरिद्वार के एक मशहूर ढाबे में। वाह। पहुंचूंगा केबल कार में ऊंची पहाड़ी पर स्थित मनसा देवी के मंदिर में, जो कि दुर्गा के नौ अवतारों में से एक मानी जाती हैं। ये पहाड़ से निकली है प्राचीन काल से। बनूंगा हिस्सा हरिद्वार की लगभग 100 साल पुरानी मशहूर गंगा आरती का। ऋषिकेश और हरिद्वार साथ साथ जुड़े शहर हैं और ऋषिकेश से हरिद्वार की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। हरिद्वार स्थित है समुद्री तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1000 फीट अबव सी लेवल। हरिद्वार मतलब भगवान तक पहुंचने का दरवाजा। इसे चार धाम की यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह भी माना जाता है कि ये वो शहर है जहां भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं से स्वतंत्र किया था। डुबकी में मुक्ति पिरोती रहेगी तेरे लों में सदियों जलती रहेगी। तो अक्सर अभी इतने लाखों का मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सब जो यहाँ पर है वो किस मकसद से आते हैं? ये आत्म उद्धार के लिए आते हैं, पाप मुक्त होने के लिए आते हैं, अपनी शांति के लिए आते हैं, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए आते हैं। कोई तर्पण करता है, कोई श्राद्ध करता है, कोई यज्ञोपवीत करता है, इसीलिए आते हैं यहाँ पर। ये अपनी श्रद्धा भावना प्रकट करने के लिए, माता के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए। आप कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? वैसे तो मैं जन्म से यहीं हूँ, मेरा जब से जन्म हुआ है मैं गंगा पुत्र हूँ। और मैं आपको भगवान विष्णु भगवान का और गंगा जी का अभिषेक कराता हूँ। वास्तव में गंगा जो है ये भाव के अनुसार फल देने वाली होती है। श्लोक में आता है भावानुसारेण सदा नराणाम, उसका अर्थ यही है कि जैसे आपके भाव होंगे वैसा ही ये जल बन जाएगा, वैसा ही आपको फल प्रदान करेगा। आप इसको भर के जब लेके जाएंगे, आप चाहेंगे मेरे घर में शांति हो तो ये शांति स्वरूप प्रदान करेगी, आप चाहेंगे मैं धनवान बनूँ तो ये धनवान बनाएगी आपको, आप आत्मिक शांति चाहेंगे तो ये आत्मिक शांति प्रदान करेगी, आप सांसारिक चाहेंगे तो सांसारिक शांति प्रदान करेगी। ये तो एक ही मनोकामना है और जिस मनोकामना से मैं ये लेकर जाऊँगा कि जितनी इस समय लोगों में जागरूकता है गंगा के प्रति वो और बढ़े, गंगा और साफ हो और आने वाले कई कई दशकों तक
हमारे साथ में रहे। मैं भी अपने सब तीर्थ पुरोहितों की तरफ से यही कामना करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूरी हो, गंगा जी आपकी मनोकामना पूरी करें। समस्त भारतवर्ष की यही कामना है कि गंगा जी निर्मल हो, शीतल हो। वेरी गुड, थैंक यू। ओम हरि ओम सहस्र शिरेखा पुरक सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि गुम सर्वत स्पृत्वा त्रिशदशांगुलम महापुरुष। हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है हर की पौड़ी। जैसा कि आप नाम से अनुमान लगा सकते हैं, हर का मतलब भगवान और पौड़ी मतलब जिस घाट पर स्वयं हरि के पांव पड़े हों। यही कारण है कि इस घाट को इतना पवित्र माना जाता है। ना जाने कितने श्रद्धालु हर साल यहां आकर अपने कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति की कामना करते हैं। मैंने सुना है कि अगर गंगा जल को आप किसी बर्तन में संभाल कर रखें तो फिर वो कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए कभी खराब नहीं होता, और अगर इसे कांसे या पीतल के बर्तन में रखें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आज हरिद्वार की युवा पीढ़ी गंगा के इस पानी को स्वच्छ रखने में कारगर साबित हो रही है। आज से कुछ साल पहले सिर्फ कुछ 10-12 लोगों ने एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम है बीइंग भागीरथ। इन्होंने गंगा के घाट पर सफाई शुरू की और देखते ही देखते कई वॉलंटियर्स इनके साथ जुड़ गए। शेखर, मैं बता सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी होती है जब मैं इस तरह के दृश्य देखता हूँ। ये जब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो ये बताओ क्या क्या करते हो आप? शुरू करने के लिए यहाँ एक सर्वानंद घाट है हरिद्वार में। हम लोगों ने 10-12 लोग इकट्ठे हुए, हमने ऐसी ग्लव्स पहने, टी शर्ट पहनी, टी शर्टों पर लिख दिया स्वच्छ भारत अभियान और गंगा अभियान और शुरुआत कर दी। और उसके बाद धीरे धीरे चलते रहे तो नए नए आइडियाज़ आते रहे, लोग जुड़ते गए। एक समय पर हमने हरिद्वार में एक जगह पर सफाई अभियान शुरू किया था और देखते ही देखते आज 120 के आसपास रविवार हो गए हैं। ये जो आप लोग काम कर रहे हो वाकई काबिल तारीफ है। ये बताओ फंडिंग कहाँ से मिलती है? सफाई करने के लिए कौन से फंड की जरूरत है? सफाई करने के लिए एक 50 रुपये की बाल्टी, 10 रुपये की झाड़ू और एक 5 रुपये के ग्लव्स। देखो, सफाई करने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ना सफाई करने के लिए हज़ार बहाने होते हैं लोगों के पास। आप सही कह रहे हैं, कूड़ा फेंकने के लिए तो आदमी चौड़ा होकर फेंकता है, लेकिन जब उठाना होता तो झुक के उठाना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। तो देखिए, जो बेसिकली वेस्ट होता है आप देख सकते हैं, ये कपड़ा है। और ये कपड़ा लोग क्या करते हैं कि उठाया फेंकते हैं गंगा जी में और वो आके इधर उधर फंस जाता है। तो जो आम श्रद्धालु होते हैं, सबसे ज़्यादा जो गंदगी है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, वो उन्हीं की देन है? सॉलिड वेस्ट। जो बेसिकली सॉलिड वेस्ट है वो सब श्रद्धालुओं का ही करा हुआ है। साड़ियाँ छोड़ के जाते हैं, घर की किताबें, किसी के यहाँ किसी को एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फ़ोटोज़, ये सब चीज़ें बेसिकली ज़्यादा गंगा में हमें मिल रही हैं। लेकिन अब अगले स्टेप में हम बात कर रहे हैं कि हम कूड़े को ख़त्म कैसे करें। हम जो ये कूड़ा निकल रहा है, इन कूड़ों से, कपड़ों से हमने दरी बनाने का काम शुरू किया। जो साड़ियाँ, कपड़े, शर्ट, पैंट यहाँ से निकली हैं, हमारे कुछ लोग हैं जो इसको ऑल्टर करके इसको दरी बनाने का काम कर देंगे, जो यहाँ से प्लास्टिक खत्म करेंगे और लोगों को बैठने का काम होगा। सुपर। मालूम है शिखर, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो मैं हर इंसान से पूछता भी हूँ कि क्या आपने को फर्क देखा है, क्या आपने को फर्क देखा। और ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अधिकतर लोगों ने मुझे बोला है कि पिछले 3-4 सालों में उन्होंने कुछ फ़र्क देखा है, गंगा में फ़र्क देखा है, आँखों के सामने फ़र्क देखा है। एंड मैं भी आता हूँ, कई बार हरिद्वार आ चुका हूँ मैं, बट इस बार जब मैं हरिद्वार में आया तो मुझे यू नो एक्चुअल में लाइव में मुझे फ़र्क नज़र आया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लगे रहो, करते रहो, मेरी तरफ से कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो बोलना, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल में जहां रोज लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आते हैं, गंगा की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ वॉलंटियर्स नहीं उठा सकते। इसीलिए सरकार द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत
एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा गंगा में फेंकी गई गंदगी को साफ कर लगभग 27 मिलियन लीटर पर डे पानी गंगा में वापस छोड़ा जाता है। मेरे लिए गंगा मेरी माँ है। अगर हमें गंगा को साफ रखना है तो हमें उसकी सफाई करनी होगी और उसे गंदा नहीं करना। हमारी गंगा में शुद्ध साफ सुधर रहे, माँ को है सफाई होना चाहिए। मैं अगर गंगा को गंदा होते हुए देखूंगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगे। हमारे को स्वच्छ गंगा चाहिए जिसके अंदर की हरी का विकास हो सके। गंगा हरी का विकास करती है। जब गंगा जी को बहुत गंदा करते है लोग, कोई लोग जूते लेके जाते गंगा जी के बीच में तो हमको बहुत बुरा लगता है, हमको पीड़ा लगती है। हमारी अगर बुद्धि साफ होगी तो ये गंगा भी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। गंगा हमारी माता है और गंगा नहीं होगी तो हम भी नहीं। मैं सबको बोलूंगी आप सफाई करो। आगे देखूंगा पहाड़ से निकली हुई मनसा देवी की अलौकिक मूर्ति और जानूंगा ब्रह्म कुंड के बारे में। भगवान विष्णु के नाम पर हरिद्वार से, भगवान शिव के नाम पर हर की पैड़ी से और भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मकुंड नाम से इसको पुकारा जाता है। और लूंगा गंगा को साफ रखने की शपथ हरिद्वार की जानी मानी गंगा आरती में। फाइव फोर थ्री टू वन एक्शन। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions and the question goes to team D. The answers D, human feces. The heat of intense competition. The battle of the brains. Racing against time. Fighting it out to conquer. Who survives the final showdown? Brace yourself for the grand event. मेरी गंगा क्विज एवरी सैटरडे एंड संडे एट 10 AM ओनली ऑन दूरदर्शन नेशनल। अनजान चेहरों में से अगर किसी एक चेहरे से पहचान बन जाए तो सफर का मजा बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ हरिद्वार में, जहां मेरे नए दोस्त और हरिद्वार के मेरे लोकल गाइड मुझे लेकर गए लंच कराने हरिद्वार के मशहूर चोटी वाला ढाबे में। अब हरिद्वार में खाएंगे तो शुद्ध शाकाहारी खाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे हरिद्वार शहर में आपको नॉनवेज कहीं मिलेगा नहीं। और हरिद्वार में अगर खाएंगे तो इनके यहाँ से आप सबसे पहले अगर नाश्ते का टाइम है तो हम खाते हैं पूड़ी और आलू, ये हरिद्वार का पेट भोजन है। आप हरिद्वार में नहाएंगे तो आपको सबसे पहले जो भी बड़े रेस्टोरेंट है सब में पूड़ी और आलू ही मिलेंगे। तो अगर आप पूड़ी आलू खाना चाहें तो सबसे पहले पूड़ी। नहीं, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ये उतना ही खा पाऊँ। थाली खाएंगे? थाली कर लेते हैं। थाली कर ले, थाली कर दीजिए। वाह, हरिद्वार में आया हो आपने, हर की पौड़ी देख लिया आपने, आपने कुछ मंदिर देख लिए, और क्या करना? खाना खाने के बाद आप जाएंगे मनसा देवी, एक अट्रैक्शन है मनसा देवी आपके ठीक सामने पहाड़ पे। एक तरफ मनसा देवी है, बीच में हरिद्वार में माया देवी है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में चंडी देवी हैं। इन तीनों देवियों के उससे ही मानते हैं कि पूरा हरिद्वार जो है वो सेफ रहता है। उड़न खटोले की सवारी किसे अच्छी नहीं लगती, इस केबल कार में बैठकर वाकई में बड़ा मजा है। मैं जा रहा हूँ मनसा देवी के मंदिर में, जो कि माना जाता है कि दुर्गा माँ के 9 अवतारों में से एक है। मनसा देवी शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं। माना जाता है कि वो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। मनसा देवी की यह अलौकिक मूर्ति पहाड़ों से निकली है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन के बिना
भक्तों के लिए हरिद्वार आना अधूरा है। मुझे पैसे मिले चढ़ा के। मंत्र देवी इनमें से कौन सी है? नीचे ऑरेंज सिंदूर वाली जो है। अच्छा, ये पहाड़ से निकली है प्राचीन काल से। और मनसा देवी के दर्शन के बाद अब मुझे जाना है गंगा सभा ट्रस्ट, जहां से मुझे निमंत्रण आया। गंगा सभा का मुख्य या मूल काम है घाट की स्वच्छता, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना। जी नमस्कार। अभिनंदन, आपका बहुत स्वागत। शुक्रिया। परमात्मा का जो द्रव्य रूप है, द्रव्य मीन्स नीर, जल, वो गंगा है। तो ये पर्वत वाला जो हमारी ऊपर है, सर्वप्रथम बद्रीनाथ जी से भगवान विष्णु के चरणों से द्रव्य रूप आ रही हैं, जिनका नाम अलकनंदा जी है। दूसरा धाम केदारनाथ जी, जहाँ से भगवान शिव की जटाओं से मातेश्वरी मंदाकिनी नाम से आ रही हैं। तीसरा धाम जो है वो गंगोत्री है, जहाँ से मातेश्वरी जी हैं, वो भागीरथी रूप से आती हैं। और प्रथम जो देवप्रयाग है, वहाँ पर इनका मिलन हो करके वहाँ से जब पहाड़ों से उछलती कूदती हुई जब हर की पैड़ी पधारती हैं, तो यहाँ पर इनका नाम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से गंगा होता है। ब्रह्मकुंड जिसे कहा जाता है, वो ये हर की पौड़ी है। ये परमात्मा का तीनों का एक साथ का पूरे विश्व में एकमात्र स्थान है, जिसको तीनों देवताओं के नाम से पुकारा जाता है। भगवान विष्णु के नाम पर हरिद्वार से, भगवान शिव के नाम पर हर की पैड़ी से, भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मकुंड नाम से इसको पुकारा जाता है। मातेश्वरी का इससे प्राचीनतम नाम मायापुरी है। अच्छा। और अमृत की चूंकि पहली बिंदु यहाँ पर गिरी, तो माँ की ऐसी महत्वता है कि इस माँ में जो भी लीन हो जाता है वो गंगामय हो जाता है। करेक्ट। यहाँ पर ये हमारा ऐतिहासिक रजिस्टर्ड है। मैं इसमें आपको दोनों ही राष्ट्रपति जी, श्री प्रणब मुखर्जी दा और श्री रामनाथ कोविंद जी के चंद शब्द आपको शेयर करना चाहूँगा। ये रामनाथ कोविंद जी आए, उससे पहले श्री प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पर पधारे। क्या बात है। मैं चाहूँगा आपने जैसा हर की पैड़ी पर हरिद्वार में महसूस किया, दो शब्द आप गंगा सभा के रजिस्टर में अंकित कीजिएगा। जरूर। धरा पर जब से ये बह रही है। हरिद्वार के सबसे मशहूर घाट हर की पौड़ी पर आरती का वक्त हो चला है। ये आरती लगभग 100 साल पुरानी है। इस आरती की एक और खास बात है, यहाँ लोगों को शपथ दिलाई जाती है कि वो गंगा की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस घाट पर जल अभिषेक करने के लिए हर रोज कई तादाद में लोग यहां आते हैं, पर सिर्फ कुछ किस्मत वालों को यह मौका मिलता है। वैसे तो मैं इस घाट से वाकिफ हूं, लेकिन इस खूबसूरत गंगा आरती का हिस्सा मैं पहली बार बना हूं। गंगा किनारे इस आरती में एक अलग ऊर्जा है, एक शांति का एहसास है।
आज एक बात तो समझ में आ गई, अगर 10-12 दोस्त मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नई पहल कर सकते हैं, ये ठान सकते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द गंगा को साफ रखेंगे और जिसका परिणाम भले ही छोटी मात्रा में हो लेकिन नजर भी आने लगा हो, तो सोचिए 100 करोड़ से भी अधिक लोगों के इस देश में अगर कुछ चंद हजार और लाख हाथ मिला लें तो क्या हो सकता है, क्रांति आ सकती है। जनाब अगर छूने से प्यार बढ़ता है ना तो हाथ मिलाने से ताकत बढ़ती है। बस यूं ही ये एक ख्याल मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना बांट लूं। अब इस पर विचार करना या ना करना ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिलहाल मैं चलता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब आखिर। धरा पर जब से ये